महाराष्ट्र प्रदेश यूथ कांग्रेस की ओर से पत्र परिषद का आयोजन कर भाजपा को आड़े हाथ लिया गया। एमपीवाईसी द्वारा भाजपा से पूछे गए 5 तीखे सवाल और कई सवाल भाजपा से इस दौरान किए गए। पत्र परिषद में एमपीवाईसी द्वारा भाजपा से पूछे गए 5 तीखे सवाल किए गए, जिसमें बेरोजगारी पर 2014 में जब भाजपा सत्ता में आई थी तो उसने हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था। अब तक 10 करोड़ नौकरियां दी जानी चाहिए थी, लेकिन वास्तव में करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गई है। बेरोजगारी भी सबसे बड़ा मुद्दा है, जैसा कि हाल ही में किए गए सीएसटीएस सर्वे में पता चला है, जिसमें 27% लोगों ने इस पर सहमति जताई है। गडकरी ने भी 2014 में सत्ता में आने पर हर साल 1 लाख नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन आज उन्होंने दावा किया है कि पिछले 10 सालों में केवल 68,000 लोगों को ही नौकरियां मिली हैं। उन्होंने ये भी दावा किया है कि वे बेरोजगारी के लिए स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने वाला कानून बनाएंगे, लेकिन हमें अभी तक ऐसा होते नहीं दिख रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। 12 मार्च को गुजरात के एक विधायक रमेश पटेल ने भाजपा में काम पाने के लिए कमीशन सिस्टम के अस्तित्व को स्वीकार किया और कुछ दिनों बाद सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले का पर्दाफाश किया, जहां तारीखों का मिलान करने पर यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि कथित रिश्वत दान के रूप में दी गई थी। नाग नदी, इसका भी उल्लेख गडकरी ने अपने घोषणा पत्र में किया है। 2014 में 1,476 करोड़ मंजूर किए गए, फिर 2021 में 2,117 करोड़ मंजूर किए गए और अब फिर 2,400 करोड़ मंजूर किए गए हैं, लेकिन स्थिति में बिल्कुल भी सुधार नहीं हुआ है। उन्होंने दावा किया था कि जल्द ही इसमें नावें चलेंगी, लेकिन हमने देखा कि 22 सितंबर 2023 को पूरा शहर पानी में डूब गया था। सवाल नदी के विकास के आपके वादे का क्या हुआ और वह हजारों करोड़ कहां गए? सबसे बड़ी चिंता का विषय राष्ट्रीय सुरक्षा है। अरुणाचल प्रदेश में 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर चीन ने कब्जा कर लिया है और उस पर अपना दावा कर रहा है। उन्होंने हाल ही में 30 शहरों का नाम बदला है। सवाल, प्रधानमंत्री चीन को लाल लाल आंखें क्यों नहीं दिखा रहे हैं? इतने संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दे पर सरकार चुप क्यों है? सीएसटीएस सर्वे के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा, जहां 23% लोगों का कहना है कि यह सबसे बड़ा मुद्दा है, डीजल पेट्रोल गैस की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है। 400 पार का नारा चुनाव के लिए नहीं बल्कि डीजल और पेट्रोल की कीमतों के लिए है। डॉलर की कीमतें रिकॉर्ड निचले स्तर पर गिर गई है। सवाल, अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें बहुत कम होने के बावजूद सरकार आम आदमी की जेब से 1-1 रुपया क्यों निचोड़ रही है? ऐसे तीखे सवाल पत्र परिषद के माध्यम से महाराष्ट्र प्रदेश यूथ कांग्रेस द्वारा किए गए। जो मुद्दा है वो है बेरोजगारी का मुद्दा। आज अगर हम देखें तो सीएसटीएस सर्वे में जो आया है कि 27% लोगों को सबसे बड़ा मुद्दा जो लगता है वो है बेरोजगारी का मुद्दा। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उस समय हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि वो 2 करोड़ रोजगार हमें देंगे। आज 10 साल हो चुके हैं इस बात को, क्या हमें सवाल पूछना चाहिए ये कि 20 करोड़ रोजगार का निर्माण हुआ है क्या अब तक? ये होगी कि नेशनल लेवल की बात। दूसरा, अगर मैं आपको बोलूं कि हमारे नागपुर शहर में हमारे जो सांसद हैं यहाँ से नितिन गडकरी जी, उन्होंने वादा किया था कि प्रतिवर्ष 1 लाख लोगों को वे रोजगार देंगे।